टायर का पूरा काम करवाया था यार पीछे का ना। अंदाजा लगा लीजिए रोड सारा ही क्लोज है भैया। तो भैया रोड देखा आपने सारा ही बंदा, अब आगे से जा नहीं सकते, अब घूम के हमें जाना पड़ेगा। हैं चाचा देखो गाड़ी मोड़ रहे हैं क्योंकि रोड सारा ही बंद है तो आगे जाकर फायदा नहीं है। तो भैया चाचा घूम के ही जाना पड़ेगा आपको भी, रोड क्लोज है सारा, देखिए सारा रोड बंद है भाई लोगो। दोस्तों क्या हाल चाल है आपके, फिर से मिल रहे हैं आपके साथ एक न्यू ब्लॉग में। तो भैया गुड मॉर्निंग। तो भैया ये ब्लॉग भैया डेली ब्लॉग होने वाला है, तो भैया आप सब कैसे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो भैया अब उठेंगे, दौलतपुर जाना है एंड भैया आज मेरा एक पार्सल आ रहा है। कौन सा पार्सल आ रहा है बताते हैं, तो न्यू मेरे ग्लव्स आ रहे हैं तो आज वो उसकी डिलीवरी भी लेंगे। इसके अलावा जो भी पॉसिबल होगा हम आपको बताते रहेंगे। बाकी हम मोटर ब्लॉगिंग भी करेंगे, डेली ब्लॉगिंग लेकर वापस आ चुके हैं। बाकी और भाई लोगों जैसे कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा बच कर रहे हैं एंड सेफ्टी अपनाएं और ऐसे न्यू ब्लॉग आते रहेंगे। तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, उठते हैं बाकी काम करते हैं, फिर मोटर ब्लॉग सेटअप भी करते हैं और चलते हैं घर से, देन जो भी काम होगा देखते हैं। तो मस्त मस्त भैया अभी उठ गए हैं। तो भैया बहुत दिनों के बाद आप देख रहे होंगे मेरे को बालों में। तो भैया बात ऐसी है कि हम उठ चुके हैं जैसे कि आपको पता है। एंड भैया इस टाइम ना आज देखा जाए तो मौसम काफ़ी यार अभी तक ठंडा है, सूरज दादा भी नहीं निकले हैं, लगभग 8 बज चुके हैं आज एंड सूरज दादा तो भैया अभी कहीं से निकले नहीं हैं। बादल बुदल छाए हुए हैं अभी तक, तो मौसम चेक करिए, देखिए बादल बुदल छाए हुए हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं वैसे तो। और ये देखिए भैया कनक कनक की फसल, मतलब जो गेहूँ की फसल होती है वो देख सकते हो कितनी अभी मतलब लग चुकी है, तो थोड़े थोड़े अभी बड़े हो रहे हैं, लगभग जल्दी बड़े हो जाएंगे। तो ये भैया हम आपको बताना चाहते थे। हाँ जी भाई लोगों चलते हैं भैया घर से। तो भैया करते हैं बाइक को स्टार्ट, मस्त मस्त बाइक को करते हैं स्टार्ट। तो लो जी भैया बाइक हो गई स्टार्ट एंड भैया बाइक का मैंने बहुत ही काम करवाया, जैसे कि आपको पता है टायर का पूरा काम करवाया था यार पीछे का ना। तो ये पूरा यार हाफ एक्सो फुल एक्सो सब डलवाया है एंड भैया बस इसकी सर्विस होनी है वो करवाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं घर से। हाँ भैया अभी तक मौसम चेक करिए भैया, अभी तक सूरज ज़्यादा भी नहीं निकले हैं, देखिए मौसम अभी तक ना कैसा है, कुछ कुछ भी नहीं है हाथ में, आज ऐसे जाना पड़ेगा। ओ ब्रदर तो चलते हैं एंड आपको पता है यार रोड जो आपको बोल रहा था ना वो बंद भी कर दिया है, एक रोड ना बताएंगे आपको। गेट मस्त मस्त खोलते हैं, मार का देख लीजिए व्यू कुछ मस्त तरीके से बाइक को स्टार्ट रहने देते हैं। बस तो मैं तैयार हो चुके हैं तो भैया हमने मोटो ब्लॉग का सेटअप लगा रखा है, तो अभी जाएंगे भैया दौलतपुर। तो दौलतपुर से आगे जो भी होगा हमारा प्लान तो देखते हैं क्या बनता है। तो वीडियो में बने रहना, ब्लॉग में बने रहना एंड एंजॉय करना हमारे प्यारे प्यारे ब्लॉग्स। तो चलते हैं ना घर से, तो जाना बनता है। तो यार इसका ना एक तो हेलमेट में ना विंड बड़ी आती है, देखते हैं हेलमेट का भी कुछ जुगाड़ करना है। तो एक तो ना पहले मैं सोच रहा हूँ इसको कोई मास्क वगैरह लिए जाए, नेट वाला वो लगाया जाए। चलते हैं फिलहाल घर से। तो मे भी यार वो वाला रोड भी बंद हो चुका है, मैं कल गया था पर कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। फिलहाल देखिए यार विंड ही बड़ी आ रही है, अंदर हवा आ रही है तो भैया माइक को तो लगेगी ना हवा। भैया बहुत ही ठंड है, रोड ना काफ़ी नैरो थे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती थी भैया। तो अभी सही है कि थोड़े से रोड भी खुले होंगे एंड रोड भी खुले होंगे तो बढ़िया रहेगा। तो भैया झटके वटके तो बनते हैं क्योंकि झटके में वटका वटके में झटका, ये तो भैया हमारा डायलॉग बहुत ही पुराना है। हाँ हाँ पुराना कब से है भैया, इतनी तो तेरी उम्र नहीं होगी जितना तू पुराना बताया जाएगा। यहाँ पर डिपेंड करता है, फिलहाल तो यहाँ से खोल दिया है ना रोड, तो यहाँ से तो निकल जाते हैं। तो यहाँ से निकलेंगे तो आगे जाकर पता लगेगा भैया रोड बंद है कि क्या है। तो भैया बसेस भी घूम के आ रही हैं भैया चले उधर से रेलवे स्टेशन से, बताते हैं आपको भैया रोड कहाँ से बंद है। हाँ जी हाँ जी, ओ चाचा जी थोड़ा सा देख के रिपोर्ट आ रखी है कि ये सारा का सारा चौड़ा होगा, मतलब कि वाइड होगा, मतलब जितना भी रोड हम चल रहे हैं ना इस टाइम ये सारा का सारा वाइड होने वाला है थोड़े टाइम में। तो ये 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक ना, थोड़ा सा साइड में हो जाइए तो ऐसे चलते रहेंगे। भैया बीच में कुछ दिन ब्लॉग भी नहीं आए उसके लिए तो माफ़ी चाहते। वो देखिए भैया रोड क्लोज, यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए रोड सारा ही क्लोज है भैया।
भैया जाना पड़ेगा हमें घूम के। तो देखिए भैया रोड सारा ही क्लोज था, तो भैया रोड देखा आपने सारा ही बंदा, अब आगे से जा नहीं सकते, अब घूम के हमें जाना पड़ेगा। तो कहाँ से जाना पड़ेगा ये हम बताते हैं आपको। कल तो कहीं से भी निकल जा रहे थे, पर आज तो देखा मैंने ना कि आज तो बिल्कुल ही बंद है। तो ये तो सीन काफ़ी भारी है, एंड यही सीन मैटर कर गया कि जाना पड़ेगा। तो हमें भी मस्त मस्त यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा, और आते टाइम भी हमें घूम के आना पड़ेगा चलीगेट से, क्योंकि ये वाला रोड तो बंद है, रोड हो गया बंद, ले लो पेड़े। यहाँ से चलते हैं लेफ्ट, वहाँ ऑटो नहीं रहा कोई, तो ये गलियों से निकलेंगे। आज दिस इज आवर ब्लॉग्स। ओहो हाँ जी चाचा जी, थोड़ा सा देख के जी। ए भैया कुछ आ तो नहीं रहा, दिस इज आवर ब्लॉग्स, गलियों से निकल रहे हैं आज। ओहो ओहो ओहो, ये क्लोज हो गया, रोड बंद था सारा। तो ये निकलेंगे हम पृथ्वीपुर रोड पे, तो ये भी सीधे धौलपुर निकलता है। तो जिनको नहीं पता है वो बाई चांस अगर यहाँ आकर फंस जाते हैं, ओहो खड्डा, हाँ नहीं खड्डा नहीं नाली थी, तो अगर किसी को पता नहीं है बाई चांस यहाँ अगर फंस जाते हैं, तो भैया आप भाया वापस जाने के चक्कर में ऐसा मत करना, परेशान मत होना, इधर से भी निकल सकते हो आप, थोड़ी सी दिक्कत भरा है। अगर किसी को नहीं पता लगता तो आप भैया हमारे ब्लॉग से इतना तो पता लग जाएगा आपको। फोन बचाते हुए लोगों को जगाते हुए आगे से गाड़ी आ रही है। चाचा थोड़ा सा देख के हम भी आ रहे हैं, तो यहाँ से लेते हैं लेफ्ट। तो इस रोड पर आप भैया निकल सकते हो इजीली, तो ऐसा वैसा सीन है। तो हम दौलतपुर जाना है, तो हमें दौलतपुर ही काम है, तो हम लेट से घूम के आते हैं तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है हमें। अब आपको अगर मैं घूम के भी बताऊँ ना कि मतलब रोड कहाँ से बंद है, मैं जाऊँगा थोड़ा सा आपको बताएँगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से अगर आप पहुँचे हैं ना, तो यहाँ से दो रोड जाते हैं स्पेशल, एक आता है भैया एक भद्रकाली के लिए रोड जाता है, एक जाता है पृथ्वीपुर के लिए। अगर हम भद्रकाली वाले रोड पे पड़े ना, तो आपको आगे जाकर मैं बताता हूँ कहाँ से रोड बंद है और क्या चक्कर है क्या बक्कर है। और देखिए भैया ये भी सारी गाड़ी मोड़ रही है, एक्चुअली रोड बंद है ना, तो फिर वापस तो जाना पड़ेगा, आगे रोड बंद है तो आगे जाकर क्या फ़ायदा, आएंगे और वापस आएंगे, यही हमारा काम होने वाला है। क्योंकि हमने आपको देनी है इन्फॉर्मेशन कि भैया कहाँ से कहाँ को रोड बंद है। ये देखिए भैया यही दूसरी साइड से अगर मैं जब घूम के आ रहा था ना, तब ये वाला रोड था जो बंद है, तो आप अच्छे से देख लीजिए ये वाला रोड पूरा का पूरा बंद है। तो भैया ये गाड़ी भी मोड़ रहे हैं, चाचा देखो गाड़ी मोड़ रहे हैं, क्योंकि रोड सारा ही बंद है, तो आगे जाकर फ़ायदा नहीं है, तो भैया चाचा घूम के ही जाना पड़ेगा आपको भी। देखिए रोड सारा ही बंद है, रोड क्लोज्ड, देखिए रोड क्लोज है सारा, देखिए देखा जाए तो रोड सारा ही बंद है लोगो। तो ये तो सारा सीन ही बढ़ गया, देखिए देखा जाए तो रोड सारा बंद है, हमें घूम के जाना पड़ता है। इसलिए भैया जो भी मेरे साथी हैं, जो हमारे साथ भैया मतलब कि हमारे इलाके से जुड़े हुए हैं, हम उन्हें यही कहना चाहते हैं भैया अपने सब्सक्राइबर्स को थोड़ी सी भैया हम इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि भैया ये वाला रोड बंद है। अगर किसी ने भैया भद्रकाली वाली साइड जाना हुआ, तो आपको भैया थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा, यहाँ से चलेट को जाना पड़ेगा, चलेट से आप जा सकते हो भैया डंगोर निकल सकते हो। अगर भैया अगर वहाँ से नहीं निकलना चाहते, इसी रोड से निकलना चाहते हो, तो जिस रोड से हम आए पहले, यहाँ से पृथ्वीपुर वाले रोड पर जाओगे, आगे डंगोर का रास्ता जाता है, डंगोर से आप निकल सकते हो भैया भद्रकाली को। तो ये भैया हमने इन्फॉर्मेशन देनी थी थोड़ी सी, क्योंकि भैया हम अगर सब्सक्राइबर को अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए तो क्या दे पाएंगे। तो भैया आप जीता जाकर भैया हम घर जाकर आपसे मिलते हैं। मस्त मस्त अपने ग्लव्स आ चुके हैं, तो अभी करते हैं उनको अनबॉक्सिंग, जो मैंने ग्लव्स मंगवाए थे। तो भैया ये मसला है, तो इसको करते हैं अनबॉक्स, साइड से करते हैं इसको हल्का सा कर। तो ये स्टील वर्क के वही देख लीजिए, पहले तो वही हैं जो मैं पहले यूज करता था, उसी के साथ वाले पकड़े हैं ये भैया। आगे हमारे ग्लव्स वापिस, कौन सा नंबर है, एक्सल ये आया अभी, पहले एम साइज आया था यार, और दिक्कत दे रहा था, पहन के देखें जरा सा, एक हाथ कही मस्त मस्त ठीक है ओके है। वो थोड़ा सा यार छोटा साइज लगा था मेरे को, वैसे तो मीडियम ही सही रहना था, मतलब वो था एम साइज था, पर मैंने थोड़ा
थोड़ा सा ये देखा कि यार थोड़ा सा उसके चक्कर में मैंने ना एम सारी के चक्कर में एक्सेल मंगवा लिए। I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, gotta filled up engine.